बिग बॉस के घर में कलेश, लड़ाइयां और ऊपर से घर के नियम तोड़ना तो भैया लगता है घर वालों की आदत सी हो गई है। वो ये सोचते हैं कि रूल्स तोड़कर वो फैंस के नजरों में अच्छा बनेंगे, लेकिन बिग बॉस की आंखों में इनका यही व्यवहार खटक जाता है। तो लो भैया, बिग बॉस ने भी खेल खेल दिया है और उन्होंने दर्शकों पर ये फैसला छोड़ दिया है कि अब आप बताएं कि रूल्स तोड़ने वाले कंटेस्टेंट आपको कैसे लग रहे हैं। बिग बॉस OTT सीजन 2 में फिर एक बार बिग बॉस ने घर वालों पर नॉमिनेशन का बॉम्ब फोड़ दिया है। तो चलिए फटाफट आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं JBT एंटरटेनमेंट चैनल। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नॉमिनेशन टास्क में जिया शंकर इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई। उसके बाद बिग बॉस ने आलिया सिद्दीकी को घर से बेघर कर दिया, जो कि शॉकिंग था। आलिया के घर से जाने के बाद कंटेस्टेंट ये सोचकर राहत की सांस ली कि इस हफ्ते कोई एविक्शन नहीं होगा, लेकिन घर के नियम तोड़कर गुस्सा दिलाने की वजह से खुद बिग बॉस ने घर के 3 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिग बॉस के घर में बाहर की बातें करने की अनुमति नहीं है, ठीक उसी तरह से घर में नॉमिनेशन की बातें करना भी नियम तोड़ना माना जाता है। बिग बॉस बार बार याद दिलाने के बावजूद जब आकांक्षा, अभिषेक यानी कि जिया शंकर नॉमिनेशन की बात करते हुए नजर आए, तब बिग बॉस ने इन तीनों को डांट लगाते हुए घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिया शंकर तीसरी बार घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट हुई हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आलिया की तरह जिया भी इस शो में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। यही वजह है कि उनके फैंस को ये डर लग रहा है कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस शो से जल्द ही बाहर न चली जाए, क्योंकि आकांक्षा पुरी और अभिषेक मल्हान की सोशल मीडिया पर खूब फैन फॉलोइंग है और OTT पर शो होने का फायदा इन दोनों को मिल सकता है। वेल, आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन होगा घर से बेघर? कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए JBT एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।